Hey, what's up people? मेरा नाम है अभिनव एंड आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड आज के वीडियो में हम H96 Max Android TV Box का अनबॉक्सिंग एंड फुल डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। हालांकि लास्ट ईयर भी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस बार का जो H96 Max है ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है इसके प्रीवियस वेरियंट से, क्योंकि ये आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 के साथ। 4GB रैम, 32GB की स्टोरेज है। उसके बाद आप इसके साथ ऑनलाइन क्लासेज या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हो, और जो आपका एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्री लाइव टीवी कंटेंट देखना चाहते हो, फ्री स्ट्रीमिंग सर्विसेज का कंटेंट देखना चाहते हो, यूट्यूब देखना चाहते हो, या फिर कोई भी ऐप यूज़ करना चाहते हो जो एंड्रॉयड 10 के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि लेटेस्ट है तो आप सब कुछ इस पे यूज़ कर पाओगे। और आप यहाँ पे टीवी पे देख सकते हो कि एक वेबकैम अटैच्ड है, दैट मीन्स आपका H96 Max वेबकैम को सपोर्ट करता है। तो आप जूम वीडियो कॉल, गूगल मीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, कुछ भी आप इस पे यूज कर पाओगे। तो वीडियो में आगे आपको यही देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं H96 Max के रैपिड अनबॉक्सिंग के साथ। बॉक्स ओपन करते ही आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स मिल जाता है, उसके बाद 12 बटन का टाइनी रिमोट मिल जाता है, फिर यहाँ पे एक पावर ब्रिक इसकी पावर सप्लाई के लिए, एक HDMI केबल, कुछ पेपर वर्क, दैट्स इट। अगर यहाँ पे H96 Max के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको एकदम अच्छी मिल जाती है। पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। फ्रंट पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको टाइम और जो आपके कनेक्टेड सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ, वाईफाई, SD कार्ड, पेन ड्राइव, वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे एक पावर अडेप्टर के लिए पोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद ईथरनेट पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, ऑडियो वीडियो पोर्ट है जिसमें आप CRT TV को भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपना होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद USB 3.0 पोर्ट है और USB 2.0 पोर्ट है, और एक HD कार्ड के लिए भी इसमें स्लॉट मिल जाता है। तो काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे नीचे आपको हीट डिसिपेट करने के लिए काफ़ी सारे होल्स मिल जाते हैं, तो ये ओवरहीट भी नहीं होता। मैं इसको अराउंड 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, एज सच कोई इशू मेरे सामने नहीं आया। अब यहाँ पे H96 Max Android TV Box का जो टॉप है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि कलरफुल है और H96 Max की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो अगर आपकी डेस्क पे या आप इसको वॉल पे भी माउंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, एक आउटडेटेड प्रोडक्ट ये नहीं दिखाई देता। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि H96 Max के साथ आप वेबकैम भी यूज़ कर सकते हो, तो अभी हम इसको अपने टीवी के साथ पेयर करने वाले हैं, साथ ही साथ वेबकैम भी इसके साथ अटैच कर देंगे। तो दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पावर अडेप्टर की केबल को इसके साथ प्लग इन करना है, उसके बाद HDMI केबल प्लग इन करना है, एंड एट लास्ट जो आपका वेबकैम का USB केबल है वो इसके USB पोर्ट में आपने प्लग इन कर देना है और पावर ऑन कर देना है। इतना सिंपल है आपके H96 Max को आपके TV और वेबकैम के साथ पेयर करना। अब सबसे अच्छी बात ये है कि जो H96 Max का सेलर है वो आपको सारी की सारी ऐप्स इसके साथ लोड करके दे रहा है, मतलब आपके लिए एकदम हैसल फ्री एक्सपीरियंस हो जाता है। आपने जस्ट या तो ईथरनेट केबल से या फिर वाईफाई से या हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट करना है और डायरेक्टली जो कंटेंट है, ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग्स है, अटेंड करना शुरू कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना H96 Max अपने TV और वेबकैम के साथ पेयर हो चुका है। होम स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं, होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा जिसपे आपको YouTube, गूगल प्ले, ब्राउजर, ऐप सेटिंग्स, माई फाइल्स, मतलब जनरल सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, और नीचे आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आप अपनी फेवरेट्स ऐप्स ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो सारी की सारी ऐप्स यहाँ मेरे सामने आ गई, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा गूगल मीट आ जाए, तो मैं जस्ट इसको टिक करूँगा और एक बार बैक प्रेस करूँगा और आपका गूगल मीट आपकी होम स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि सेलर आपको ज़्यादातर ऐप्स इसके साथ प्री इंस्टॉल्ड दे रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने खुद से क्या क्या इंस्टॉल किया है। इसमें मैंने गूगल मीट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ पे जो आपका जूम वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप, ये खुद से डाउनलोड किया है। बाकी जो थोप टीवी है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार और मोजिला फायरफॉक्स, ATV लॉन्चर, ये सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एप्टॉइड TV का लिंक दे दूंगा जहां से आप अदर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और इसमें आपको इनबिल्ट प्ले स्टोर मिलता है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। मतलब जो अभी तक मैंने पहले एंड्रॉइड टीवी बॉक्स रिव्यू किए हैं उनमें गूगल प्ले स्टोर काम कर रहा था, लेकिन जब हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो आपके रिमोट के साथ काम नहीं करती, लेकिन इसके साथ मैक्सिमम ऐप्स रिमोट के साथ ही फंक्शनल है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके साथ वेबकैम काम करता है, तो डायरेक्टली हम कैमरा ओपन करते हैं, कैमरे से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका वेबकैम काम करेगा या नहीं। तो ओपन कैमरा ऐप मैंने इसीलिए डाउनलोड किया था क्योंकि इनबिल्ट इसमें कैमरा ऐप नहीं आता। तो आप देख सकते हो कि हाय हेलो, एंड मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मेरा तकिया, बेड सब कुछ दिख गया। तो बैक करो, पूरे रूम की बातें नहीं बतानी है कि इस रूम में क्या क्या है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था कि गूगल मीट या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम वीडियो कॉल, ये सब कुछ काम करता है,
तो हाँ बहुत परफेक्टली तरीके से काम करता है, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है इनको। तो यहाँ पे अपना गूगल मीट ओपन हो चुका है और कैमरा को ओपन करते हैं गूगल मीट का, क्योंकि हमने अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी है। एंड यू कैन सी कि अगेन अपना कैमरा चल चुका है। जितना बेहतरीन वेबकैम लगाओगे उतनी बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, अपने पास सस्ते वाला है तो हमने सस्ते से ही काम चला लिया। जस्ट आपको एक हिंट देना है कि हाँ ये कैपेबल है। उसके बाद यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की माइक्रोसॉफ्ट टीम जूम वीडियो कॉल गूगल मीट या व्हाट्सएप के थ्रू ही क्लासेज या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी मैंने इसके साथ यूज़ किया। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कोई माउस कीबोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, यूएसबी पोर्ट में आपने जस्ट अपना माउस या कीबोर्ड का जो एडेप्टर है वो प्लगइन करना है, या फिर आपके पास ब्लूटूथ माउस और कीबोर्ड है वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनबिल्ट ब्लूटूथ इसके साथ मिल जाता है। तो आप एसेसरीज या फिर जितने भी आपके हेडफोन्स हैं, होम थिएटर हैं, साउंड सिस्टम है, जो भी ब्लूटूथ कंपेटेबल डिवाइस है वो सब इसके साथ यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से आप इसमें जूम वीडियो कॉल या जितने भी ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म है वो इस पर यूज़ कर सकते हो, या आपके कॉलेज की या स्कूल की कोई डेडिकेटेड ऐप है वो भी प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड करके आप इस पर यूज़ कर पाओगे। अब व्हाट्सएप को एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स पे यूज़ करने वाली बात कुछ ज़्यादा हजम नहीं होती, क्योंकि बिना सिम के व्हाट्सएप यूज़ करना एंड्रॉयड पे अब मुश्किल हो गया है। लेकिन इस बॉक्स के साथ आपको ये बात हजम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाट्सएप है वो एकदम परफेक्टली काम करता है। मैंने अपना अकाउंट इसके साथ लॉगिन कर लिया है और सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट्स चाहता हूँ तो मुझे जस्ट ऐड कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी इसके साथ अटेंड कर सकते हो, और यहाँ पे कैमरा तो काम कर ही रहा है तो वीडियो कॉल्स भी अगर होंगी तो आप अपने टीवी पे बड़ा बड़ा एंजॉय कर सकते हो। एंड यू कैन सी कि मैंने अपना प्रोफाइल फोटो ओपन किया है व्हाट्सएप पे, वो एकदम प्रॉपर तरीके से आ रहा है। यहाँ पे जो मेरा अबाउट है या फ़ोन नंबर वो सब कुछ शो हो रहा है, तो नंबर नोट नहीं करने का गड़बड़ हो जाएगी। अब ये तो था प्रोफेशनल डिपार्टमेंट की, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट एकदम मस्त तरीके से इस पे काम कर रहा है। अब आते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट पे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अपने थॉप टीवी पे, आजकल का फेवरेट ऐप है, क्योंकि फ्री लाइव टीवी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी आपको स्ट्रीमिंग सर्विसेज का कॉन्टेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐप को करते हैं ओपन, ऐप ओपन हो रहा है। ए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड रिमाइंड लेटर, अभी हमने ऐप यूज़ करने का। तो अब यहाँ पे इस बॉक्स के साथ आप फ्री लाइव टीवी कंटेंट देख ही सकते हो, और जितना भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का कंटेंट है, न्यू मूवीज़ है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कोई चैनल प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये बॉक्स किस तरीके से रन कर पाता है। ऑलरेडी लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा एक साल पहले वाला, उस पर भी थॉप टीवी एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता था। एंड अपना फेवरेट सोनी HD, एंड हमने यहाँ पे प्ले कर दिया बफरिंग 99%, एंड आपका टीवी सोनी टीवी चल चुका है। कपिल शर्मा का शो चल रहा है तो अपने घर पे देखो, मेरे टीवी पे एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ डेमो मिलता है। उसके बाद यहाँ पे थॉप टीवी में बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। थॉप टीवी के बारे में अगर नहीं पता है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि थॉप टीवी कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हम सबका फेवरेट और आपका भाई जहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि YouTube, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में डाल दो कि बहुत प्यारा वीडियो था या कुछ कमी लगी हो तो वो भी बता सकते हो। YouTube को ओपन करते हैं, यहाँ पे YouTube की फंक्शनैलिटी आपको एकदम प्रॉपर मिलती है। नेटिव रिजोल्यूशन है 1080p 60Hz, तो कोई भी एक वीडियो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले हैं। मेरा टीवी हालांकि फुल HD है, तो फुल HD के लिए 1080p मिल जाए वही काफ़ी है, और आपका बॉक्स का जब नेटिव रिजोल्यूशन ही 1080p होगा तो इससे ज़्यादा तो आप इससे कुछ ले नहीं सकते, ना एक्सपेक्ट कर सकते। तो एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे YouTube का जो UI है वो भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो कि बड़ा क्लीन टाइप का UI आ गया है। मोर में आपको क्वालिटी के ऑप्शन मिल जाएंगे, 1080p इस वीडियो की मैक्सिमम क्वालिटी है। ये एंड्रॉयड बॉक्स अप टू 4K वीडियोज़ को सपोर्ट करता है, मतलब वीडियोज़ को सपोर्ट करता है लेकिन उनको डाउन स्केल करके 1080p में आपको डिलीवर करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी 4K वीडियो इसके साथ प्ले करोगे, 4K मुन्ना भाई इज देयर, यस 4K मुन्ना भाई नहीं, ये कोई और गाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स अप टू 4K वीडियोस को सपोर्ट करता है यूट्यूब पे, या फिर आप पेन ड्राइव के थ्रू भी इसके साथ प्ले करोगे। जो आउटपुट मिलेगी वो आपको 60Hz 1080p फुल HD में मिलने वाली है, तो अप टू 65 इंचेस के टीवी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की जो पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे अंदर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स से ज़्यादा रिफाइन लगी। ये नहीं कि उनकी बुरी थी, लेकिन इसमें कुछ शार्पनेस आपको ज़्यादा मिलती है। बाकी जो यहाँ पे हार्डवेयर है वो काफ़ी आपको पावरफुल मिल जा रहा है, क्वाड कोर CPU विद 450 माली GPU, RK3318 इसमें आपको CPU मिलता है, क्वाड कोर है तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है। लाइट गेमिंग कर सकते हो, चेस, लूडो या कोई रियल रेसिंग टाइप 3 के गेमिंग भी इसके साथ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड गेम पैड चाहिएगा। बाकी अगर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स आप लेते हो तो उसका जो जनरल पर्पज़ होता है वो एंटरटेनमेंट होता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो एक नया फ़ोन खरीदने के बजाय एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स खरीद लो अगर आपके पास फोन स्मार्ट टीवी है।
अब यहाँ पे H96 Max की अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की बात करें तो ये Amazon और सेलर की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल है। Amazon पे आपको ये 3999 का पड़ेगा बिना किसी ऑफर के, वहाँ पे कोई ऑफर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको सेलर की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि 91bazaar.com से खरीदते हो तो जो इसकी कॉस्ट है वो है 3499 अगर आपको एज इट इज ये लेना है। अगर आप इसके साथ एयर माउस या फिर मिनी कीबोर्ड खरीदना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट आपको 3999 पड़ेगी। और अगर आप प्रीपेड ऑर्डर लगा रहे हो तो इंस्टेंट 10% का ऑफ है, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और 91bazaar.com वेबसाइट की बात यह है कि मेरे नोन की है, मैं जानता हूँ उनको, काफ़ी टाइम से जानता हूँ, उनके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर एकदम टाइम पे आपको पहुंचेगा। अगर आपके बॉक्स में या किसी भी प्रोडक्ट में दिक्कत है तो आपको तुरंत रिप्लेसमेंट मिलती है बिना किसी सवाल जवाब के। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे ये है, एक बार मेरे कहने से ट्राई करो अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे थे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि इसके लिंक प्राइसिंग वहाँ पे मिल जाएंगे, तो जाके वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन अगर, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।